हेलो गाइस, सो वेलकम टू आवर चैनल देसी बॉयज इन इटली। तो राम राम भाइयों, क्या हाल है आप लोगों का? आई होप आप घर में सुख शांति होगी, मम्मा पापा घर पे सब बढ़िया होंगे आप लोगों के, और सुख शांति से फाइल चल रही होगी। और जो लोग 24 में प्लान कर रहे हैं उनकी प्लानिंग्स भी अच्छी चल रही होंगी। और यार देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितने लोगों को रिप्लाई दे पाऊँ उतना कर रहा हूँ, पर कुछ लोगों का है कि मेरे को मैसेज समझ ही नहीं आता यार गाइस, क्योंकि पता ही नहीं क्यों नहीं आता, क्योंकि तुम शॉर्ट फॉर्म लाइक हिंदी लिखते हैं तो लाइक चैट करते हैं ना, तो सबकी चैटिंग अलग होती है तो शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं। तो कोशिश करो कि वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दिया करो मेरे को, वो मेरे लिए बड़ी इजी और कन्वीनियंट रहेगी आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। गॉट इट? तो जो आज का टॉपिक है ना गाइज, वो ये है कि कहते हैं ना, सही टाइम पे सही चीज़ मिल जाए तो उसका मज़ा ही अलग है। अब तो वही है, तो अब लोगों के वीज़ा आने शुरू हो गए हैं, तो रिफ्यूज़ल्स भी आ रही हैं बच्चों की, बट स्टिल जिनकी प्री रिफ्यूज़ल आ रही है वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं एक जेन्युइन पॉइंट देख के हर चीज़। तो अपना देखो और अपना फाइल बढ़िया प्रेजेंट करो, तो सही टाइम पे सही चीज़ों के लिए। तो आपने मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा, इसीलिए वीडियो देखने आए हो। तो इसमें गाइस मैं दो इंसिडेंट शेयर करता हूँ आप लोगों को, जो यहाँ पे इटली में फुल स्कैम होता है अकोमोडेशन का। एक उनके साथ होता है जो इटली में पहुँच गए हैं, एक उनके साथ होता है जो इटली में आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इटली में जो पहुँच गए हैं उनके साथ क्या स्कैम होता है, वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जो इटली पहुंच गए हैं उनके साथ ये स्कैम होता है गाइस, कि जो मतलब मेरे को मतलब बोलते वक्त भी मेरे को डर लगता है, वही चीज़ है कि लोगों के पैसे इतने इंपॉर्टेंट। लाइक 1200 यूरो का स्कैम था गाइस, 1200 यूरो का, रोम में हुआ है 1200 यूरो का स्कैम। और मैं बता भी देता हूँ, ये स्कैम्स मेरे किसी खास दोस्त के साथ हुआ है, जिनका नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन दोनों बहुत खास दोस्त हैं मेरे, लाइक कॉलेज फ्रेंड हैं, तो उनके साथ हुआ था अभी कुछ 2 महीने पहले की बात है गाइस। तो क्या सरकमस्टांस हुआ सब बताता हूँ आपको। तो वो लोग थे दूसरी सिटी में गाइस, जॉब करने के लिए किसी दूसरी सिटी में गए थे। तो अब जॉब क्या होता है, समर वेकेशंस का टाइम था, छुट्टी पड़ी थी, तो जॉब करने चले गए। अब वापस तो यहीं आना है रोम में, क्योंकि स्टडी यहाँ पे कर रहे हो तो परमिट भी यहाँ का है आपके पास, तो यहीं आना है। तो वो लोग भी यहाँ पे वापस आ गए। ठीक है गाइस, मैं आई एम नॉट अ गुड स्टोरी टेलर, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर सकूँ हुआ क्या उस टाइम पे। जॉब करने दूसरी सिटी में थे, तो वहाँ से जॉब वॉब करके यहाँ पे आए। तो यहाँ पे अब क्या था कि घर तो वर छोड़ के गए थे, क्योंकि अब 2 महीने का एक्स्ट्रा रेंट कौन देगा ना, तो उस चक्कर में ये लोग घर छोड़ के अपना बैग वैग लेके चले गए वहाँ पे, और बस छोटा मोटा सामान अपने दोस्तों के घर पे रख लिया, जैसे एक एक बैग मेरे घर पे रख लिया, एक किसी और के घर पे रख लिया। तो ऐसा अच्छे सीन हुआ उस टाइम पे। तो जब वापिस आए तो उस टाइम पे लाइक घर पीक पे थे सारे, कोई खाली नहीं था, कुछ घर खाली थे बट कहाँ थे, आउटर में, बहुत आउटर में, लाइक एक मेट्रो सी है लाइक इसकी लास्ट स्टॉप पे, जो मतलब गांव एरिया टाइप होता है ना, वहां पे थे। तो मजबूरी में तो यार रहना पड़ेगा ना, सड़क पे तो कोई सोएगा नहीं। अब मजबूरी में ना इंसान का दिमाग चलना बंद हो जाता है, तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत काम रह के शांति से जो भी चीज करो शांति से करो। अब ये हुआ कि ये दोनों आए वापस, अब इन्होंने इन्होंने घर वर सेंटर में ढूंढना शुरू किया, वहां पे तो मिला नहीं, तब इनको रहना था, तो इन्होंने बोला 1 महीने के लिए एडजस्ट करते हैं कहीं पे, 1-2 महीने के लिए, फिर ढूंढेंगे साथ में कहीं और। तो ये बात हुई, इन्होंने मेरे को पूछा है, मैंने कहा अभी तो फिलहाल के लिए तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, कोई मिलता है तो बताता हूँ। क्योंकि यार रोम में रूम ढूंढना भगवान ढूंढने वाली बात है, क्योंकि कैपिटल सिटी है और बहुत लोग हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ का ना बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो दूसरी चीज़ मैं ये बता रहा था कि जब वो आए तो उनको ना एक यहाँ पे एक स्टॉप है मेट्रो सी का लास्ट, तो लाइक फिनोकियो नाम का एक स्टॉप है, वहाँ पे थे। तो वहाँ पे उनको घर मिला, तो उन्होंने उस ऑनर से बात की, वो ऑनर से बात की, उस ऑनर ने बोला कि मैं इस रूम का जो रेंट है वो 600 है, बट 1 महीने का एडवांस भी लूंगा। इन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप ले लो, 2 बंदों के लिए 300-300 रुपये डिवाइड करना, कोई बड़ी बात नहीं थी। उनके लिए था कि चल स्टार्टिंग में घर तो मिल जाए, फिर देख लेंगे दूसरा घर ढूंढ लेंगे सेंटर में। उन्होंने 1200 यूरो दे दिए उसे। अब स्मार्ट, चलो इतना तो उन्हें भी पता था कैश नहीं देना, उन्होंने ऑनलाइन पे कर दिया उसको 1200 यूरो। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला कि तुम सामान वामान लेके आ जाओ, शिफ्ट कर दो। तो इन्होंने क्या किया कि होटल से सामान लिया, होटल में इन्होंने सामान रख दिया, ओ होटल से सामान लेके उस घर पे रख दिया इन्होंने सामान। तो ये लोग आ गए घूमने के लिए। अब ये लोग रात को वापस गए, तो इनके सामान वामान खुले हुए थे, उसमें से इनकी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, इनके पासपोर्ट भी चोरी हो गए भाई, उन्होंने उसने चुरा लिए, लाइक ऑनर ने चुरा लिए पासपोर्ट और उनका बैग वैग पूरा खोल उल के, जो भी उनके एक्सपेंसिव चीज़ थी वो सब रख ली उसने, और बैग उठा के घर के बाहर खड़े रख दिए, घर के बाहर पड़े थे बैग। ये सिनेरियो हुआ कि घर के बाहर बैग रखे हुए थे, मतलब घर के बाहर मतलब सड़क पे नहीं, उसके बाहर वाले एरिया में पड़े हुए थे। अब बात ये आई कि उस टाइम पे तो भाई दिमाग खराब, कोई घर पे भी नहीं है, घर पे लॉक लगा हुआ है, और वो बंदा कौन था कौन नहीं वो बंदे का पता भी नहीं लगा,
मतलब उसका नंबर था, बट उसका नंबर इन्होंने उसने ब्लॉक लॉक कर दिया था या पता नहीं क्या था, उसने नंबर बंद कर दिया और नंबर फोन ना उन्हें नहीं लग रहा था, और उस टाइम पे रात के टाइम को कुछ समझ ना आए। फिर रात के टाइम ये पुलिस स्टेशन गए क्योंकि पासपोर्ट चोरी हुआ है भाई, अब दोबारा पासपोर्ट लेने के लिए भी इंडिया से क्या करना पड़ेगा, तो क्योंकि उसके लिए रिपोर्ट चाहिए तुम्हारे पास पुलिस स्टेशन की, अगर वो पुलिस स्टेशन आपको रिपोर्ट आपकी दर्ज करेगी उसके बाद आप जाके एम्बेसी में रिक्वेस्ट करोगे, फिर एम्बेसी आपका पासपोर्ट बनाएगी, वो लंबा प्रोसेस होता है। देखो 1200 यूरो भी गए, पासपोर्ट भी गया, इवन लड़कों के एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स भी गए, और हुआ क्या, मेरा दोस्त वापस चला गया, इंडिया चला गया वापस, और क्योंकि एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स ही नहीं रहे, पासपोर्ट चलो बन के आ गया तो उसका विश्वास मनसा भी उठ गया है ना, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है वो, तो वो चला गया वापस इंडिया, अभी वो इंडिया में है। तो फिलहाल मेरी बात वत तो नहीं हो पाती भाई से, लेकिन अभी वो इंडिया में है। तो ये हो गया देखो यार कि एक स्कैम हुआ, मतलब किसी की लाइफ मतलब खराब करने वाला स्कैम, चलो वो अच्छी अच्छी फैमिली से है, स्टेबल है, कोई इश्यू नहीं है उस चीज़ का, लेकिन फिर भी ना अगले के पैसे गए, पैसे चलो आ जाते हैं यार, बट द थिंग इज कि विश्वास उठ जाता है कंट्री में। और पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस पुलिस लाइक एक लैंग्वेज, एक बैरियर है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जब एक्सप्लेन कर पाते हो किसी के थ्रू जाते हो एक्सप्लेन करते हो, तो उस टाइम पे जब एक्सप्लेन कर दिया तो पुलिस ये बोलती है कि वो बंदा ऑलरेडी इसके नाम पे, ये देखो इतने सारे रिपोर्ट्स हैं, इतनी सारी लाइक ऑलरेडी दर्ज है, ये बंदा स्कैम करता है लोगों के साथ और हम नहीं पकड़ पाएंगे इसे, क्योंकि हम पकड़ ही नहीं पाए अभी तक, कोई ऐसा लीगल वाला कोई सीन ही नहीं हुआ है ना, तो ये चक्कर था गाइस। तो देखो दो इसमें कितने घंटे लग गया, 1200 यूरो का बेचारों का नुकसान हुआ, पासपोर्ट गए, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स गए, कितना दिक्कत हुआ ना। तो ये एक सिनेरियो है देख लो यार, कि जब भी आओ तो कुछ भी करो, एक ट्रस्ट देखो, ट्रस्ट के थ्रू घर ढूंढो, ट्रस्ट के थ्रू मतलब कि किसी दोस्त की हेल्प से, किसी अपने खास इंसान की हेल्प से, कि जो तुम्हारे जो तुम पे तुमसे विश्वास रख सके, ऐसे रैंडम पर्सन के थ्रू कभी भी घर मत ढूंढो, ये भी ध्यान रखना ठीक है। रैंडम पर्सन के थ्रू घर ढूंढो, पहले उस घर में आके देखो कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स रह रहे हैं, शेयरिंग है, जिस घर में ऑलरेडी स्टूडेंट्स रह रहे हैं वो कभी फ्रॉड नहीं करते ठीक है, जिस घर में स्टूडेंट्स रहते हैं उसमें फ्रॉड नहीं होता, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स रह रहे हैं, तो आप आके बात करोगे तो आपको पता लग जाएगा पहले दिन कि हाँ बंदे सही हैं ठीक है। और हमेशा पैसे कब देने, जब घर पे सामान शिफ्ट करके आ जाते हो, सब कुछ कर लेते हो, तब पैसे शिफ्ट देने हैं, और किसी ऐसे घर में नहीं जाना कि जिसपे ऑलरेडी कोई रह ही नहीं रहा हो, पूरा घर तुम्हें दे रहा है 600-1200 यूरो में ठीक है, ये भी चीज़ का ध्यान रखना। वहां रहो जहाँ ऑलरेडी कुछ लोग रह रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं ठीक है, ये केस था, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, तो इस चीज़ का मेरे को लगा, तो इसलिए मैंने दिल से बताया आप लोगों को, तो ताकि आप लोग आ रहे हो तो ये गलतियां मत करना, चाहे ट्यूरिन में आ रहे हो, चाहे किसी भी सिटी में जा रहे हो यार, स्कैम जो लोगों को जो लोग बैठे हैं बहुत बहुत बुरे लोग हैं भाई, बहुत मेरा मन करता है गाली देने का पर मैं नहीं देता यार, पारिवारिक चैनल है, मम्मी पापा मेरे वीडियोस देखते हैं तो गाली वाली नहीं देंगे लेकिन ऐसा सीन है यार, तो जिसके पैसे गए उसके लिए तो नुकसान है ना यार। तो दूसरा ये हुआ कि जो लोग इंडिया में बैठे रहते हैं, अब लोगों के वीजा आ जाते हैं, अब लोगों को टेंशन ना इंडिया से हो जाती है, घर 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 घर, और होनी भी चाहिए, मेरे को भी थी, तो ये मैंने बहुत से रीजन बताए, घर इंडिया में बैठ के भी ढूंढ सकते हो, तो कैसे ढूंढ सकते हो, आपके कुछ फ्रेंड्स बनाओ, कुछ फ्रेंड्स आपने इंडिया से बनाए हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी के, उनके वीजा पहले आ गए, वो आ गए यहाँ पे, ऐसे बॉन्ड होता है ना, तो उसके थ्रू आपकी यूनिवर्सिटी के कुछ फ्रेंड्स बनाओ इंडियन, उनके थ्रू घर ढूंढ लो, उनको बोल दो कि हाँ भैया हम आ रहे हैं सब, पर उनको भी एडवांस पेमेंट नहीं देना है यार, समझ रहे हो। अब ये सिनेरियो ऐसा हुआ कि ये मैं अपना शेयरिंग बता रहा हूँ तुम्हें, कि मैं जब मैं इंडिया में था, जब मेरा वीजा फाइल चल रहा था, तब मतलब बहुत हुए हैं पर मैं अपना एक पर्सनल बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ था। अब मैं भी घर वर ढूंढ रहा था, चलो स्टार्टिंग में तो चलो मेरे दोस्त उसके वीजे आए नहीं थे, जब मेरे दोस्तों के वीजे आ गए तो उन्होंने मेरे लिए घर वर तो ढूंढ दिया यहाँ पे, जब वो यहाँ पे आ गए उन्होंने मेरे लिए घर भी ढूंढ दिया, सब कुछ कर दिया, क्योंकि मेरा दोस्त हैदराबाद का है, साउथ इंडियन कम्युनिटी है थोड़ी यहाँ पे, तो उसने अपनी लैंग्वेज में बात बात करके थोड़ा सा कर करके मेरे लिए उसने एक अपार्टमेंट ढूंढ दिया था मेरी यूनिवर्सिटी के पास में, और मेरे बैच में पढ़ते हैं मेरे दोस्त, और सबसे बढ़िया चीज़ ये थी। तो हुआ ये कि उस टाइम पे जब वीज़ा वीज़ा मेरा आने वाला था, तो मतलब आ ही गया था वीज़ा, तो उसके बाद मैं थोड़ा टेंशन में हो गया था कि यार घर ढूंढना है, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे को भी ऐसे मैंने ग्रुप से ऐड थोड़े से मतलब लोगों से बात बात की, तो एक दो लोग उसमें ऐसे भी मिले जो क्या बोल रहे थे कि पेमेंट पहले कर दो, पेमेंट पहले कर दो, ताकि हम सिक्योर हो जाएं कि आप आ रहे हो, आप आ रहे हो। अबे सिक्योर सिक्योर नहीं करना किसी को पैसे से सेंड करके, अरे तुम पैसे सेंड करोगे तुम सिक्योर हो जाओगे और तुम इनसिक्योर हो जाओगे, भैया घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डोंट डू दिस। यहाँ पहुंच के उस घर में आ जाओ तो पैसे दो, शांति से एक दो दिन रह के दो पैसे, पहले दिन कभी पैसे नहीं देते, आओ बैठो दो दिन बैठो, फिर बोलो भैया दे रहा हूँ पैसे, जाओ एटीएम से निकालो पैसे, और कैश है तो कैश, 2-3 दिन के बाद दो, पहले नहीं देने ठीक है।
तो ये दो स्कैम होते हैं बहुत ज्यादा हाइप पे भाई अकोमोडेशन के मामले में। तो मुझे लगा ये वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि अभी अकोमोडेशन का ही है सभी को, क्योंकि इतने लोगों को डीएम आते हैं तो यार अकोमोडेशन तो मिल जाती है। देखो यार जो ऊपर वाला है ना वो भेज, अगर यहाँ पे भेज रहा है तो खाना भी अरेंज कर देगा, रहना भी अरेंज कर देगा, सब कर देगा। बस बिलीव रखो गॉड पे यार, हो जाता है सब कुछ। मैंने जैसे बिलीव रखा है, मेरा जीरो से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, आज 800 की फैमिली होगी, आप लोग जुड़ गए, इतना प्यार देते हो, इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हो यार, दिल खुश हो जाता है मेरा तो। जितने भी मेरे पाकिस्तान से भाई लोग हैं, जितने भी मेरे बांग्लादेश से भाई लोग हैं, जितने मेरे अपने इंडिया के भाई जान, जितने भी मेरे इंडिया के भाई लोग हैं, सबको फुल प्यार है भाई, फुल सपोर्ट है। किसी को मैं नेशनलिटी के हिसाब से, किसी को मैं अपनी सिटी के हिसाब से सपोर्ट नहीं करता। जो नीडी है उसकी सपोर्ट करते हैं, और जो लोग दिल से भाई को प्यार करते हैं, अपन भी उनको दिल से प्यार करते हैं यार। चलो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। पूरी वीडियो देख के भी सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, और जो लोग करते हैं उनको उनका वीज़ा आएगा 100%, चाहे वो 24 में आ रहे हैं चाहे वो अभी आ रहे हैं। जो अगर तुम मेरे साथ अच्छा कर रहे हो तो यार मैं दिल से ब्लेसिंग करूंगा तुम लोगों के लिए कि वीज़ा आएगा, और मैं दिल से वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए यार। थका आया होता हूँ जॉब से, सब कुछ मैनेज करके फिर भी मैं आपके लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और आने वाले टाइम में मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। चलो बाय बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, राम राम भाई, बाय बाय।